तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का ध्रुवण। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि हमने एक टूरमलाइन क्रिस्टल लिया था C1, एक इसी तरह का दूसरा क्रिस्टल लिया था C2। इनकी ऑप्टिक एक्सिस थी, इनकी थोड़ी सी थिकनेस भी थी और जब हम प्रकाश को इसमें से गुजारते थे पहले क्रिस्टल से, तो वो क्या करता था कि सारी दिशाओं में जो कंपन है उसको केवल एक ही दिशा में कर देता था, और इसके बाद जब वो ये पैरेलल लेते थे तो वही कंपन इसमें से पास हो जाता था। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ये लाइट यहाँ पे पहले क्रिस्टल से निकल के आ रही है, ये लाइट जो है आपकी ध्रुवित प्रकाश कहलाएगी, पोलराइज्ड लाइट है, और ये घटना जो होगी ये प्रकाश का ध्रुवण कहलाएगी। और इस एक्सपेरिमेंट में मैं ये भी बता दूं कि ये चूंकि प्रकाश का ध्रुवण कर रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे ध्रुवक या फिर पोलराइजर। ये इसका काम क्या है, ये एनालिसिस करता है, ये पता लगाता है कि ये जो लाइट आ रही है यहाँ से ये पोलराइज्ड है या नहीं। मतलब इसको अगर हम पैरेलल रखेंगे तो सिग्नल पास हो जाएगा, और अगर हम 90 डिग्री पे कर देंगे तो उस केस में सिग्नल पास नहीं होगा, लाइट नहीं निकलेगी बाहर। तो इसलिए इसे हम कहते हैं विश्लेषक या फिर एनालाइजर। तो पहला क्रिस्टल पोलराइजर है, वो लाइट को पोलराइज कर रहा है, और दूसरा क्रिस्टल जो है वो एनालिसिस कर रहा है कि लाइट उसमें से पास हो रही है या नहीं पास हो रही है, इसलिए हम इसे विश्लेषक या फिर एनालाइजर कहते हैं। तो अब देखिए, सिंपल लाइट में क्या है, कंपन चारों तरफ हैं। डिटेल में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में है। ये प्रकाश संचरण की दिशा हो गई, उसका लंबवत तल ये हो गया, और इसमें सभी दिशाओं में है, जैसे अशोक चक्र होता है। और जब पोलराइज्ड हुई लाइट तो क्या हुआ, वो केवल एक ही दिशा में रह गए। तो ध्रुवण की घटना की डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, वह फेनोमेनन जिसके द्वारा प्रकाश के इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपनों को, इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन अभी सब तरफ हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपनों को एक ही दिशा में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, एक ही दिशा में प्रतिबंधित कर दिया जाता है, कि मतलब सब तरफ अब नहीं वाइब्रेट हो सकता, केवल एक ही दिशा में वाइब्रेट होगा। तो वो घटना जो है प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। इसके बारे में सबसे पहले हाइगंस ने ही बताया था, 1690 में उन्होंने बताया था इसके बारे में, और फिर इस टाइम पे उन्होंने जो अपना ओरिजिनल जो थॉट दिया था वेव थ्योरी का, उसमें उन्होंने प्रकाश को जो है वो अनुदैर्ध्य माना था, लेकिन अनुदैर्ध्य होने की वजह से ये घटना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो। तो उन्होंने ये विचार किया कि हो सकता है ये अनुदैर्ध्य ना होता हो, हालांकि वो डिटेल में उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए, लेकिन इन्होंने इतना अपना विचार ये त्याग दिया था कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य नहीं हो सकता। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कस किया है। तो ध्रुवण की परिभाषा ये हुई जा करके, ऐसा फेनोमेनन है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपनों को एक ही दिशा में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। जब भी ये चीज़ आए आपको ये डायग्राम इस तरह से दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ सारी तरफ कंपन थे और एक तरफ रह गया केवल, तो ये घटना यही पोलराइज्ड लाइट है। तो यानी कि ध्रुवण में क्या होगा, सारे कंपन चारों तरफ ना होकर के केवल एक ही दिशा में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपनी दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मतलब कंपन तल। नाम से क्या पता लग रहा है, नाम से आपको ये पता लगना चाहिए कि ऐसा तल जिसमें क्या हो, कंपन, यानी कि ऐसा प्लेन जिसमें कि वाइब्रेशंस हों। अब वाइब्रेशन किसके होंगे, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक वेक्टर के। जब हम ध्रुवण का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर रेस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए, तो वाइब्रेशंस की बात किसकी करी जा रही होगी, लाइट के वाइब्रेशन मीन्स इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस की। तो जरा हम वही टूरमलिन क्रिस्टल वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा हिस्सा उसका बना देते हैं। ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, अध्रुवित प्रकाश इस दिशा में चल रहा है, ये प्रकाश संचरण की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है, और इसके लंबवत तल में सभी तरफ सभी दिशाओं में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट हैं। अब ये इस टूरमलाइन क्रिस्टल से गुजरता है,
जब ये टूरमेलाइन क्रिस्टल से निकल के बाहर आएगा, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट हैं वो केवल एक ही दिशा में होंगे। तो केवल एक ही दिशा में होंगे तो इसका मतलब ये कंपोनेंट इसकी ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल इस डायरेक्शन में होंगे। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं पता है या आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के इसको, इस एग्जांपल को डिटेल में समझ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे। तो अब आते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होना चाहिए। तो वाइब्रेशंस कहाँ हैं? ये तो इनको, ये ऐसा प्लेन जिसमें कि ये वाइब्रेशंस हों वो हमारा कंपन तल होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा एक प्लेन ले लें इस तरह से, ये प्रकाश संचरण की दिशा हो गई और इस तरह से ये लेव प्लेन होना चाहिए, इसमें आपके वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है कंपन तल कहलाएगा। ए बी सी डी डेफिनेशन, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वह तल, ये वाला तल है ए बी सी डी, जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन की दिशा हो, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन की दिशा है इसके अंदर, और प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण की दिशा मीन्स ये वाली डायरेक्शन, ये दोनों ही हैं इसमें, दोनों स्थित होते हैं, वो कंपन तल कहलाता है। कहने का मतलब है कंपन तल में कंपन होंगे, कंपन वाला प्लेन कंपन तल होगा, और कंपन चूंकि उसी की वो प्रकाश संचरण की दिशा भी उसी से जा रही होगी, तो इसलिए ये तो चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी, प्रकाश संचरण की दिशा। आप देखिएगा किसी किसी बुक में डेफिनेशन केवल ऐसे लिखी होती है कि वह तल जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन हो और वो कंपन तल कहलाता है, क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड है, ये तो आना ही है, इससे बच के आप जा ही नहीं सकते। कंपन होंगे तो साथ में प्रकाश संचरण की दिशा होगी ही होगी। तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की डेफिनेशन है। आप हमेशा सबसे पहले प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पढ़ा करें, पहले नंबर पे पोलराइज लाइट पढ़ रही, पोलराइज लाइट पोलराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, दूसरे पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेंगे और तीसरे पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपने उसे पहले पढ़ लिया और फिर इसे पढ़ा तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अराइज होगा, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। बहरहाल ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की परिभाषा हुई। तो हमारी तीसरी डेफिनेशन है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि हिंदी में से कहते हैं ध्रुवण तल। अब ध्रुवण नाम से भी कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है कि प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है तो कंपन इस तरफ है, तो हो सकता है कि ध्रुवण तल यही हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले आप प्लेन ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेंगे, कंपन तल पढ़ेंगे, कंपन तल से क्या हो जाएगा, कंपनों वाला तल ये हो गया। अब यानी कि जो दूसरा बचा वो ध्रुवण तल हो जाएगा। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है ध्रुवण तल की, कि ये कंपन तल के तो परपेंडिकुलर होता है। अब कंपन तल के परपेंडिकुलर बहुत सारी जगहों से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ पे से भी हो सकता है, कंपन तल ये है, इसके 90 डिग्री पे प्लेन कई सारे हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरी बात ये बताई कि उसमें प्रकाश संचरण की दिशा भी होनी चाहिए। ये हमारी प्रकाश संचरण की दिशा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा तल जिसमें कि कंपन तल के परपेंडिकुलर हो, जो पहले हमने पढ़ा था कंपन तल मीन्स जिसमें कंपन है ए बी सी डी, इसके परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर में भी कौन सा वाला, जो प्रकाश संचरण की दिशा से जाए, मतलब यहाँ से जाए इस लाइन से। मैं डायग्राम में देखिए 3D डायग्राम है इसलिए ये होना तो इस तरह से चाहिए, लेकिन मैं अब इसको शो इस तरह से कर पा रहा हूँ, पी क्यू आर एस। तो ये आपका था कंपन तल और ये आपका हो गया ध्रुवण तल। डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी, वह तल जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपनों की दिशा के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन रहे ये, इनके लंबवत है, तथा उसमें प्रकाश संचरण की दिशा भी स्थित होती है। प्रकाश संचरण की दिशा इसमें स्थित होगी, इनमें नहीं होगी, ये ऊपर नीचे से जो 90 डिग्री बजाएंगे उनमें नहीं होगी, ये इसी में होगी। ये वाला जो तल है वो आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण तल कहलाएगा। तो डायग्राम में ए बी सी डी आपका जो है वो कंपन तल है और ये वाला जो है वो आपका ध्रुवण तल है। रटने का या याद करने का तरीका यही होगा आपका कि कंपन तल पहचाने आप, जिसमें कंपन है वो कंपन तल हो गया, ठीक। अब बाकी बचा हुआ दूसरा वाला वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवण तल हो गया,
इस तरह से आप जो है इन डेफिनेशंस को रट सकते हैं या याद कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए अपने। और देखिए, रटना वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तोते की तरह रटा जाए। इसका मतलब ये है कि आप किसी पॉइंट को लेकर के और दिमाग में बैठा लें और फिर उसके बाद आप उसको एग्ज़ाम में लिख पाएँ या कोई पूछे तो आप उसको चीज़ को बता पाएँ। तो कॉन्सेप्ट्स किसी ना किसी हिसाब से बैठाने पड़ते हैं दिमाग में। ऐसे आप पढ़ते रहेंगे कुछ नहीं क्लियर होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो वो चीज़ अपने आप आपको आने लगेगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहली डेफिनेशन हमारी, ऑर्डिनरी लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश। तो हमने टूरमलाइन क्रिस्टल वाला एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें हमने डिस्कशन किया था उसके एक्सप्लेनेशन में कि ऑर्डिनरी लाइट में विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो किस दिशा में होते हैं, जो नॉर्मल लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट कहाँ होते हैं, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में चारों ओर होते हैं। मतलब ये लाइन जो खींची है इस तरह से और इसके स्टार्टिंग में आप इस तरह से अशोक चक्र जैसा लगा लीजिए तो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए सारी दिशाओं में और प्रकाश ये चलता चला जा रहा है। तो ये प्रकाश संचरण की दिशा हो गई और इसमें इसके लंबवत तल ये हो गया, ऐसे मैं दिखा नहीं सकता तो मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के ये कंपोनेंट हो गए। तो ये हमारा जो है वो अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश कहलाता है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, ऐसा प्रकाश जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के वाइब्रेशन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं, सारी तरफ होते हैं, वो साधारण अथवा अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ये ध्रुव वर्ड से क्या समझते हैं, पोल से क्या समझते हैं? जैसे आप अर्थ को लीजिए तो अर्थ में क्या है, नॉर्थ साउथ, ये पोल हैं। ये स्पेशल नेम क्यों दिए गए, पोल्स क्यों हैं? क्योंकि अर्थ जो है इसी के अबाउट रोटेट करती है, तो इन पॉइंट्स में कुछ खास बात है इसलिए इन्हें पोल बोल दिया गया। अनपोलराइज्ड मतलब कोई पोल है ही नहीं, सब तरफ से समान है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गई, ध्रुव है ही नहीं उसमें कोई। और पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पोलराइज्ड लाइट में ये हो जाएगा कि एक सिंगल डायरेक्शन बचेगी, तो सिंगल डायरेक्शन बचने का मतलब है ये अब ध्रुव आ गए आपके। तो ध्रुवों से जो मतलब लिया गया है वो इस तरह से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, ये इसलिए है केवल। बाकी रह गई बात, सिंबल्स भी पढ़ने थे, तो सिंबल इसका सबसे बेस्ट सिंबल यही है कि अध्रुवित प्रकाश का, कि आप एक एरो बनाएं और उसमें इधर प्लेन एक तिरछा दिखा के और उसमें जो है कई सारे कंपन जो हैं वो दिखा दें चारों तरफ सिमेट्री में, ताकि ये अध्रुवित प्रकाश को शो कर सके। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आइए हम उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है आपके काम आए। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसका सिंबल का, तो वो समझने के लिए हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि जो पहला सिंबल है इसका कि प्रकाश संचरण की दिशा इस तरफ है और उसके लंबवत तल में कंपन सब तरफ हैं। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो प्लेन इस तरह से रखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए, अभी तो ये उधर से देखा जा रहा है तो हमारे कंपोनेंट्स चारों तरफ हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं अपनी तरफ। तो अगर हम सीधा कर लेते हैं यानी कि सामने से जाके देख रहे हैं तो ये डायग्राम हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, बिल्कुल सीधा 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 इस तरह से नज़र आएगा। इसमें सेंटर से ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें नज़र आएंगे आपको, ये बहुत सारे हैं। अब मैथमेटिक्स में कंपोनेंट सेक्शन जो होता है जिसमें कि आप किसी वेक्टर के घटक निकाल लेते हैं, उस तरीके का यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो एक्सेस सेलेक्ट करते हैं, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। अब देखिए कि ये जो कंपोनेंट्स हैं इस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जितने सारे होंगे, कोई भी एक कंपोनेंट ले लीजिए आप, सपोज़ ये कंपोनेंट लिया हमने, तो इसका एक घटक एक्स दिशा में आएगा और दूसरा घटक वाई दिशा में जाएगा। ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट लीजिए, उसका एक घटक इस तरफ आएगा, एक तरफ इस घटक इस तरफ जाएगा।
जितने सारे वेक्टर्स होंगे इसके बीच में, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, अगर हम उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व पार्ट में ब्रेक कर दें तो एक्स के लॉन्ग वेक्टर्स आएंगे और वाई के लॉन्ग आएंगे वेक्टर्स। सेम ऐसे ही वाई और एक्स डैश के बीच में ये जितने भी हैं इस क्वार्टर में जितने भी वेक्टर्स हैं, इनको अगर हम रिजॉल्व करें तो वो वाई और एक्स डैश एक्सिस पे आ जाएंगे। इस सेम ऐसे इस क्वार्टर और इस क्वार्टर में भी जब आप रिजॉल्व करोगे तो वेक्टर्स इस एक्सिस में आ जाएंगे और इस क्वार्टर के वेक्टर इस एक्सिस और इस एक्सिस में आ जाएंगे। तो ऐसा करने के बाद अब हमारे पास सिचुएशन ये आएगी कि ये सारे वेक्टर तो गायब हो चुके हैं, और हमारे पास छोटे छोटे वेक्टर्स इस तरफ रह गए हैं। ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं सारे वेक्टर्स के, जो ये पूरे चारों क्वार्टर्स में थे उनके रिजॉल्व पार्ट इस तरफ आ गए हैं और सारे बराबर हैं। अगर हम इसको ऐड कर दें, इन सारों को ऐड कर दें तो हमारे पास एक इस तरफ और एक इस तरफ मीन्स चार वेक्टर मिलेंगे, यानी कि एक दिशा ये हो गई और दूसरी दिशा इस तरफ हो गई। कहने का मतलब है जितने सारे ये कंपोनेंट्स, जितने सारे ये इलेक्ट्रिक वेक्टर्स थे, हम इनको जब रिजॉल्व पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास केवल चार वेक्टर इस तरह से बनेंगे, दो दिशाओं में होंगे वो, एक्स एक्स डैश में, वाई वाई डैश में। तो इन सब की जगह हम केवल ये चार बना सकते हैं, काम चल जाएगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को हमने थोड़ी देर के लिए सामने से देखा था तो ये इस तरह से नज़र आया, अब इसे हम वापस वहीं पे रख देते हैं जा करके। तो जब हम इस डायग्राम को वापस वहीं पे रखेंगे तो ये कैसा नज़र आएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करें। जो प्लेन है, ये पेज मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, इसको मैं उठा करके इस तरह से रख रहा हूँ जाके, तो सीधी बात है ये लाइन जो है, ये वेक्टर, ये दिशा तो इस तरह से नज़र आ जाएगी यहाँ पे, और ये वाली चीज़, ये जो दिशा है वो जब घूम के ऐसे जाएगी तो ये जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, मीन्स इस तरह से होगी, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये वाला जो वेक्टर है वो इस तरह से ही रहेगा जब हम इस तरह टिल्ट करेंगे, और ये वाला जो है ये कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, और आपके प्रकाश संचरण की दिशा ये हो गई जा करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे वेक्टर्स हमने रिजॉल्व करके ये चार वेक्टर्स में रिप्रेजेंट किए, और जब इन्हें वापस हमने उस तरह से डायग्राम में बनाएंगे जा करके तो आपको प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत डायरेक्शन में एक ये दिशा में नज़र आएगी और एक कागज़ के प्लेन के परपेंडिकुलर दिशा नज़र आएगी। तो ये जो तरीका है अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने का, ये कहलाता है इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स। मतलब रिजॉल्व कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो अध्रुवित प्रकाश को इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस तरह की डायग्राम के सिंबल की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ आर्टिकल हैं जिनमें इस तरीके से समझाया जाएगा अध्रुवित प्रकाश, और कुछ आर्टिकल हैं जिनमें कि इस तरह से समझाना पड़ेगा आपको। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को आगे आने वाले वीडियोज़ में, और आर्टिकल्स देखेंगे तो हम बताएंगे, तब हम आपको याद दिलाएंगे कि देखिए हमने इस तरह से यहाँ पे पढ़ा था। तो अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, ये कन्वेंशनल मेथड है, और या फिर हम उसको इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्व पार्ट इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें तो केवल दो ही कंपोनेंट है, इसमें सारे कंपोनेंट्स का एक तरह से कह लीजिए कि इफेक्ट, या एक तरह से कह लीजिए निचोड़ इसके अंदर रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन पे, यह है पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और इसको कैसे निरूपित करते हैं, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान होगा पोलराइज्ड लाइट जैसे टूरमेलाइन क्रिस्टल से मिली थी हमें, तो यहाँ पर तो अनपोलराइज्ड लाइट थी, और फिर इसके बाद जो है वो
इस तरह से पोलराइज लाइट मिल गई थी। तो क्या क्या फ़र्क नज़र आया इसमें? कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो थे वो चारों तरफ थे, और इसमें क्या हो गया, आप टूरमैन क्रिस्टल से निकलने के बाद एक ही दिशा में है, तो ये आपकी पोलराइज लाइट बन गई। इसमें मींस पोल्स डेवलप हो गए हैं, पोलराइज लाइट ध्रुव डेवलप हो गए, इसीलिए हम इसे कहेंगे ध्रुवित प्रकाश। और आप इसकी डेफिनेशन देखें, ये मैंने डेफिनेशन पुरानी ही लिखी है अभी अनपोलराइज लाइट की, आप देखिए लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे हम और ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा बन जाएगी। ऐसा प्रकाश जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के वाइब्रेशन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में, आप क्या है, सारे ओर नहीं है, एक ही ओर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि लंबवत तल में एक ही दिशा में, सभी दिशाओं को हटा करके एक ही दिशा में कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। तो इसलिए वो लैंग्वेज की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप वो लैंग्वेज अपने आप बना देंगे। थोड़ा बहुत दाएं बाएं कोई चीज़ उठा के पहले रख दी या बाद में रख दी, वो सब चल जाता है, लेकिन अगर उसमें आप सेंसलेस बातें लिख देंगे तो फिर वो एग्जामिनर उसको कट कर देगा बिल्कुल। तो ध्रुवित प्रकाश सिंपल सा है जिसमें कि वाइब्रेशंस जो हैं वो केवल एक ही दिशा में होते हैं और रहेंगे, तो वो खैर संचरण की दिशा के लंबवत तल में, लेकिन एक ही दिशा में रहेंगे। सब तरफ होते तो वन पोलराइज लाइट, एक ही दिशा में है तो ये पोलराइज्ड लाइट कही ले जाएगी, प्लेन। इसको कभी कभी क्या कह देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, डिटेक्शन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के ध्रुवण का संसूचन। संसूचन को इंग्लिश में डिटेक्शन कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को सूचना सबसे पहले मिलना, डिटेक्ट करना किसी चीज़ को। तो इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आपको कोई लाइट दे दी जाए और कहा जाए कि पहचानो कि ये अनपोलराइज्ड है मतलब अध्रुवित है, या फिर ये पोलराइज्ड है, या फिर ये पार्शियली पोलराइज्ड है मतलब आंशिक ध्रुवित है, तो ये आप कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए नेकेड आई से इसका कोई पता नहीं लग पाता। अगर हम ऐसे आँखों से देखें किसी प्रकाश को तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये ध्रुवित है या अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। थोड़ा इफ़ेक्ट वहाँ पे नज़र आ सकता है आपको कि जिन चीज़ों में से चमक आती है, क्लियर चमक, या फिर दूसरा इसका और अच्छा वर्ड है चौंध, जैसे कहते हैं ना आँखें चौंध गई, चौंधा गई आँखें, तो ग्लेयर जिस चीज़ से आए वो लाइट आपकी जो है वो आंशिक ध्रुवित या ध्रुवित हो सकती है। अब ये नहीं कह सकते हम ध्रुवित है पूरी तरह से या फिर वो आंशिक ध्रुवित है, उसमें फिर कन्फ्यूज़न होगा। जैसे अगर आपने जूते पे नए जूते लेदर के लिए और पॉलिश कर लिया, काले जूते हैं चमकते हुए बिल्कुल, तो ये जूते चमकते हुए काले जो हैं वो इनसे लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर आएगी और ये जूते अगर चमक रहे हैं, आप ध्यान दीजिए पूरा जूता नहीं चमकेगा कभी, या तो ये हिस्सा या हिस्सा या हिस्सा ये हिस्सा कोई हिस्सा चमकेगा, तो वो जो चमक वाली लाइट आ रही है वो आपकी या तो वो ध्रुवित हो सकती है या फिर वो आंशिक ध्रुवित हो सकती है। या फिर जैसे कोई कार है, सपोज करिए ये कार है इस तरह से, है ना, ये कार सपोज बिल्कुल इसको नहला धुला के और पॉलिश करके और बिल्कुल चमकदार बना दिया गया, तो अब ये पूरी कार नहीं चमकेगी, पर्टिकुलर इसका पोर्शन चमकेगा। अगर ये चमकती हुई कार आपके सामने से गुजर जाए तो वो चमक वाली लाइन भी देखिए वो पीछे चलती चली जाएगी, मींस एक कोई पर्टिकुलर एंगल सा सेट हो जाएगा और वो कार का जो बॉडी का पार्ट उसको सेटिस्फाई करेगा वो पार्ट चमकेगा। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियोज़ में आगे आएंगे, वीडियोज़ उनमें डिस्कस करेंगे कि परावर्तन से ध्रुवण कैसे होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे नेकेड आई से बस इतना पता कर सकते हो कि लाइट जो है वो ध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित, ग्लेयर जहाँ है वहाँ पे ध्रुवित या आंशिक ध्रुवित हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट पता करना कि ध्रुवित या आंशिक ध्रुवित है ये नहीं हम कर सकते इससे। तो स्टूडेंट्स अगर हमको ये डिटेक्ट करना है कि गिवन लाइट कौन सी है, अनपोलराइज्ड है या पार्शली पोलराइज्ड है या प्लेन पोलराइज्ड है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं। टूरमैलिन क्रिस्टल लेने हैं या फिर निकोल प्रिज्म ले सकते हैं या कैल्साइट ले सकते हैं, उसमें भी वही प्रॉपर्टी है, क्वार्ट्स पोलराइड, पोलराइड हालांकि हमने नहीं पढ़ा है, आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे हम, तो इनमें से किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। इन सबका यही काम है कि अगर लाइट आ रही है तो ये उसे पोलराइज कर देते हैं
तो हमें क्या करना है, टूरमेरिक क्रिस्टल लेना है। इसकी थोड़ी सी थिकनेस भी होगी, आप देख रहे होंगे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि टूरमेरिक क्रिस्टल की थोड़ी थिकनेस होनी चाहिए। ये चीज़ आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगी। और जो भी लाइट आपको पता करनी है, ये वो है अननोन लाइट। तो जो भी अननोन लाइट है, हमें नहीं पता उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन सब तरफ हैं, यानी कि वो अनपोलराइज्ड है, या फिर उसमें कुछ दिशाओं में है, यानी कि वो पार्शियली पोलराइज्ड है, या फिर एक ही दिशा में है केवल, यानी कि वो प्लेन पोलराइज्ड है, हमें नहीं पता। यही चीज़ हमें डिटेक्ट करनी है। यहाँ से टूरमेरिक क्रिस्टल से इस लाइट को गुजारेंगे और रिजल्ट क्या आएगा उस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी गिवन लाइट किस तरीके की है। और साथ ही साथ इस लाइट तो इसमें से पास हो रही है, और इसको हमें क्या करना है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देना है, वन कंप्लीट रोटेशन। कहने का मतलब है, अगर इसकी ऑप्टिक एक्सिस इस तरह से है, ये वाली लाइन इस तरह से है, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से करते करते ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट हुआ, हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3/4 सर्कल कंप्लीट हुआ, और फुल सर्कल कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन देंगे, और इस वाली लाइट में क्या फ़र्क पड़ता है उस बेस पे डिसाइड होगा कि हमारा लाइट, गिवन लाइट किस तरीके की है। तो यहाँ से इतना करने के बाद हमारे पास तीन केस अराइज होते हैं, तीन तरह के रिज़ल्ट आ सकते हैं। पहला रिज़ल्ट ये आ सकता है कि इस लाइट को, अननोन लाइट को इसमें से गुजारने के बाद इंटेंसिटी कम हो जाए, I/2। अब देखिए एग्जैक्टली आप नहीं पता कर पाएंगे कि वो कितनी लाइट थी और बाई टू हुआ कि नहीं ये, लेकिन इतना पता लग जाएगा कि हाँ सफिशिएंट अमाउंट में कम हो गई लाइट। एक तो लाइट कम हो जाए, और फिर जितनी ट्रांसमिटेड लाइट है, ये ट्रांसमिटेड लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट रोटेशन के दौरान कांस्टेंट रहे। मतलब इससे गुजारने के बाद वो थोड़ा कम तो हो जाएगी, हाफ रह जाएगी लगभग, लेकिन फिर अगर हमने इसका रोटेशन करवाया इस टूरमेरिक क्रिस्टल का, तो इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती, जितनी आ रही है उतनी बराबर आती रहती है, चाहे आप पूरा सर्कल कंप्लीट कर दो। अगर ऐसे कंडीशन मिलती है तो हमारी जो ये गिवन लाइट है ये अनपोलराइज्ड होगी। कैसे, वो बात की बात है, अभी देखते हैं हम। दूसरा केस ये अराइज होता है कि इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, इंटेंसिटी वही रहती है गुजरने के बाद, और जब हम रोटेशन कराते हैं, रोटेशन के दौरान जितनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट हुई है वो इंटेंसिटी वेरी करती है, मतलब बदलती है, कम होती जाती है, और पूरे रोटेशन में दो बार ज़ीरो हो जाती है। मतलब ये कंप्लीट रोटेशन आपने इसका करवाया और इंटेंसिटी दो बार अगर ज़ीरो हो जाती है, तो इस केस में हमारी जो लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। कैसे, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा केस ये हो सकता है कि इंटेंसिटी में कुछ कमी आती है, जस्ट हाफ नहीं होगी, थोड़ी बहुत कमी आएगी, और उसके बाद जब हम रोटेशन कराएंगे, रोटेशन एक कराएंगे, तो रोटेशन के दौरान इंटेंसिटी वेरी तो करती है, मतलब इसी तरह वेरी करेगी, पर
शून्य नहीं होती कभी, शून्य नहीं होती, कंप्लीट अंधेरा कभी नहीं छाएगा आपकी आंखों में यहाँ से देखने पे, यहाँ पे आईज हैं आपकी तो कंप्लीट अंधेरा नहीं छाएगा। तो उस केस में हमारी जो गिवन लाइट होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। तो टोरमेल क्रिस्टल को हमने एक रोटेशन दिया और उस रोटेशन के दौरान अगर हमें इस तरह के तीन केस देखने को मिलते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग इस तरह की लाइट या नॉन लाइट होगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन तो इनको हम उल्टे में स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि इंटेंसिटी कम हो जाए और रोटेशन के दौरान कांस्टेंट बनी रहे तो अनपोलराइज्ड होती है। देखिए इसमें क्या हो रहा होगा, अगर लाइट हमारी अनपोलराइज्ड है तो इसका मतलब प्रकाश में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन किस तरफ होंगे, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी ओर इस तरह होंगे। तो जब ये लाइट इसमें से पास होगी तो पास होने के दौरान क्या होगा, जब ये वाला कंपोनेंट इसके पैरेलल जो पहुंचेगा वो तो एग्जैक्टली पास हो जाएगा लेकिन बाकी सबके क्या होंगे, इधर की तरफ जो रिजॉल्व पार्ट्स आएंगे वो अपर हाफ के जो इधर रिजॉल्व पार्ट्स आएंगे ऊपर की तरफ और नीचे के हाफ के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके जो रिजॉल्व पार्ट्स नीचे की तरफ आएंगे उनका सबका मिला के इफेक्ट यहाँ से पास होगा। तो वो कैलकुलेट किया जाएगा, हम आगे लॉ ऑफ मैलस में देखेंगे इस चीज़ को कि उस केस में इंटेंसिटी हमारी यहाँ से अगर इसकी आई इंटेंसिटी है तो वो आई बाई टू रह जाती है। देखिए पूरा अकेला वही कंपोनेंट ही निकलेगा जो इसके अलॉन्ग है, बाकी सबके भी इफेक्ट्स आकर के उसमें एडअप होंगे उस दिशा में और तब वो फाइनली पार्ट निकलेगा। अगर हम केवल ये देखें कि एक ही पार्ट एक ही वेक्टर इसमें से निकलेगा फिर तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रह जाएगी भाई, 360 डिग्री में फैले हुए हैं कंपोनेंट्स और अकेला कंपोनेंट उनके मुकाबले कितना होगा, तो बहुत कम इंटेंसिटी रह जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सारे रिजॉल्व पार्ट्स आते हैं और वेक्टर्स के और वो मिला करके कंबाइंड इफेक्ट यहाँ से निकलता है। तो एक बार इंटेंसिटी हाफ तो हो जाएगी, उसके बाद अब क्या है, अगर आप इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा देखिए कोई ना कोई, जैसे आपने घुमा के इसको यहाँ से इस तरह किया तो अब इस तरह से जो वेक्टर होगा इसमें से वो तो पूरा निकल जाएगा और बाकी सबके रिजॉल्व पार्ट्स इधर आएंगे वो सब मिलाकर तो वो भी रिजल्ट आई बाई टू आएगा। फिर आप घुमाते घुमाते कहीं भी ले जाएं कोई ना कोई एक वेक्टर बिल्कुल काम सामने आएगा और बाकी सबके रिजॉल्व पार्ट्स आकर के वहाँ से निकलेंगे तो इसका मतलब हमेशा इंटेंसिटी आई बाई टू ही निकलती रहेगी। तो कहने का मतलब है एक बार तो जस्ट हाफ हो जानी है और उसके बाद रोटेशन के दौरान वो जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो कांस्टेंट बनी रहनी है तो इसका मतलब ये हमारी लाइट अनपोलराइज्ड होगी। इस केस में आइए अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो इसका मतलब ये हुआ जा करके कि यहाँ पर प्रकाश संचरण के लंबवत तल में, ये बार बार जो मैं बोलता हूँ ना प्रकाश संचरण के लंबवत तल में, ये बार बार आप लोग ये इसलिए बोलता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो प्रकाश संचरण के लंबवत तल में यानी कि एक ही दिशा में कंपन है, तो एक ही दिशा में कंपन है तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो जाहिर सी बात है इस टाइम पे ये पैरेलल में है तो पूरा पार्ट निकल जाएगा यानी कि इंटेंसिटी वही रहेगी। उसके बाद जैसे हम घुमाना शुरू करेंगे इसके कंपोनेंट कंपोनेंट निकलेंगे तो वो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी और जैसे ही घूमते 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 ये वेक्टर है और जैसे जैसे घूमते घूमते ऑप्टिक एक्सिस 90 डिग्री पे आएगी ये क्रॉस्ड हो जाएंगे, इसका कंपोनेंट कॉस 90 जीरो यानी कि इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। दो बार इंटेंसिटी ज़ीरो होती है तो ये पहली बार तो तब हो गई जब ये घूम के इस तरह से आया 90 डिग्री पे, फिर ये जब ऐसे जाएगा बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जब ये घूमते 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 3/4 कम रोटेशन पे आएगा तो उस टाइम पे फिर से क्रॉस्ड हो जाएंगे दोनों, फिर से रिजॉल्व पार्ट ज़ीरो आएगा और इंटेंसिटी ज़ीरो ट्रांसमिट होगी इसमें और फिर से उसके बाद जब ये आ जाएगा इस तरह से सामने तो फिर से मैक्सिमम लाइट जाएगी। कहने का मतलब है एक बार रोटेशन कराने में दो बार जो है क्रॉस्ड पोजिशन आएगी और क्रॉस्ड पोजिशन में इंटेंसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जानी है, इनकी दो बार अंधेरा आ जाएगा इस तरफ, इधर से हम खड़े होकर देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को। अब आइए तीसरे केस में पार्शियली पोलराइज्ड लाइट जो है उसका क्या है हिसाब। पार्शियली पोलराइज्ड में क्या होगा, मैंने बताया पहले भी एक नहीं होगा थोड़े बहुत होंगे, मान लीजिए सपोज करो दो भी हुए वैसे तो 4, 5, 10, 12, 15, 20 हो सकते हैं, सिमेट्री से हम एक भी गायब कर दें तो हमारी लाइट पार्शियली पोलराइज्ड हो जाएगी।
या फिर एक से दो, दो भी हो जाए तो भी पार्शली पोलराइज्ड हो जाएगी। ये हम पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहाँ जा करके उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से जब मान लिया सपोज करिए ये लाइट पास हो रही है तो ये वाला कंपोनेंट तो पूरा निकल जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, दूसरा वाला जो टेढ़ा है इसका रिजॉल्व पार्ट आकर के इसमें से निकलेगा। फिर जब हम इसे घुमाना शुरू करेंगे, रोटेशन देना शुरू करेंगे, तो रोटेशन देते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये दूसरे वाले के लेवल में आ जाएगा, जो टेढ़ा है उसके कंपोनेंट उसके लेवल में आएगा, तो वो पूरा पास हो जाएगा, पहले वाले का कंपोनेंट इसमें से निकलेगा। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी घूमते घूमते कि पहले वाले के क्रॉस्ड हो जाएगा, तो पहले वाले के क्रॉस्ड होने पर पहले वाले की तो कोई लाइट नहीं इसमें से निकलेगी, लेकिन ये जो टेढ़ा है इसकी तो कुछ रिजल्ट पार्ट निकल जाएगा। यानी कि पहले के साथ अगर क्रॉसिंग में आया तो दूसरे के साथ क्रॉस नहीं हो सकता, उस टाइम लाइट निकलेगी दूसरे वाले की। फिर ऐसे घूमते 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 जब दूसरे के क्रॉस में आएगा तो पता लगा पहले के क्रॉस में नहीं रह गया, तो यानी कि पहले वाले का कंपोनेंट उसमें से निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? कहने का मतलब ये है कि वन कंप्लीट रोटेशन में कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि हमारा ये जो ऑप्टिक एक्सिस है ये दोनों के क्रॉस एक साथ हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जो है कुछ ना कुछ कभी न, मतलब हर समय कोई ना कोई इंटेंसिटी तो निकलेगी ही निकलेगी। इसका मतलब ये है रोटेशन के दौरान इंटेंसिटी वेरी तो कर जाएगी पर ज़ीरो कभी नहीं होगी, तो उस केस में हमारी लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। और अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।